हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं पिंकेश यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी। अभी आपको पता होगा कि आज यूपी ट्रिपल एसएससी ने उत्तर प्रदेश लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके फॉर्म 7 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और 28 तारीख तक तो उसकी लास्ट डेट दी गई है। इसमें मैं बता दूँ आपको कैसे क्या क्या इसकी प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है, जिसने पैट एग्ज़ाम दिया है, जो 12th क्वालिफाई है और जिसने पैट का एग्ज़ाम दिया था, वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 25 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। अभी इसमें कोई भी परसेंटाइल या फिर कट ऑफ का कोई भी वो नियम जारी नहीं किया गया है। अभी जितने भी लोग जिन्होंने अभी पैट का एग्ज़ाम दिया था, सभी इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद ऊपर से इसकी एक शॉर्ट लिस्ट बन के आएगी, उसके द्वारा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इसमें जो वैकेंसी हैं वो 8085 पद आए हैं, जो कि हम बता रहे थे पहले 7800 कुछ पद थे, वो अभी कुछ बढ़ के पद आए हैं, 8085 पद आए हैं। और आपको इसी के साथ साथ बता दें कि इसमें जो है महिलाओं की अलग कट ऑफ लगेगी और पुरुषों के लिए अलग कट ऑफ है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एसएससी ने काफ़ी दिनों से चले आ रहे इस नोटिफिकेशन को अब जारी किया है। और जल्दी इसका एग्ज़ाम की संभावना अगर की जाए तो ये अप्रैल के आसपास इसका एग्ज़ाम हो सकता है। इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो है वो सिलेबस में 25 क्वेश्चन हमारे मैथ के हैं, 25 जीएस है और 25 का हिंदी है और 25 का हमारा जो है वो ग्रामीण परिवेश है। 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के हैं। और इस बार ये महत्वपूर्ण है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है यूपी लेखपाल, उसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। ये पहली बार लेखपाल का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ 100 नंबर का लिखित परीक्षा है। इसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो आज यही आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना थी। ऐसी सूचना मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।